हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के अपडेट मिलती रहे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो होने वाली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि AIIA से वैकेंसी है, जो कि न्यू दिल्ली से निकाली गई है। वैकेंसी परमानेंट होने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों, जुलाई 2022 को इसका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। इसकी लास्ट डेट भी हम आपको बताएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको भरना है, कितनी पोस्ट होने वाली है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट जो दी गई है वो होने वाली है डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, जो कि एक पास्ट मात्र होने वाली है, लेवल 11 यहाँ पर दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर्स की भी यहाँ पर पोस्ट दी गई है, जिसमें कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए एक और OBC के लिए एक पोस्ट होने वाली है। आगे बात करें तो यहाँ पर आगे स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, चार पोस्ट मात्र यहाँ पर जनरल के लिए है, एक पोस्ट OBC के लिए है और एक पोस्ट ST के लिए है, यानी कि टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर, लेवल आपका यहाँ पर 7 रहने वाला है, यानी कि सैलरी भी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली जा चुकी है। योगा इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट है, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट और अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टोर कीपर, सभी की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। सबकी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों आगे। सॉरी फ्रेंड्स, लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है 10 अगस्त 2022। ऑफलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 11 जुलाई 2022 को। 11 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है। हम बात करेंगे डायरेक्ट स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट की, तो स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट में यहाँ पर आपकी जो है सैलरी दी गई है लेवल 7, जिसमें कि आपकी 4600 ग्रेड पे रहने वाली है और सैलरी आपकी 70K के अबोव यानी कि 70,000 के अबोव रहने वाली है। इसमें दोस्तों चार पोस्ट जनरल की है, एक पोस्ट OBC की और एक पोस्ट ST की है। मात्र यहाँ पर 6 पोस्ट दी गई है, जो भी एज लिमिट यहाँ पर दी गई है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ST ST OBC जो PH कैटेगरीज है उनके लिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन के आगे बात करें हम, तो यहाँ पर BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। BSc नर्सिंग वालों को यहाँ पर 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है और MSc नर्सिंग वालों को 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ देना होगा। रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी नर्सिंग काउंसिल से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाला है, परसेंटेज बेसिस पर आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है या फिर आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर लिया जा सकता है। वर्किंग एक्सपीरियंस इन एन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यदि आपका है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है और फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें B Pharma मांगा गया है। 3 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका जो है मांगा गया है।
डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, यदि डी फार्मा वाले कैंडिडेट हैं तो उनको 5 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस देना होगा। अकाउंटेंट की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की यहाँ पर पोस्ट दी गई है, असिस्टेंट की पोस्ट है, अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टोर कीपर, सभी की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है सारे अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं, तो आपको सैलरी यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है अप्लाई के लिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स जो भी हैं उन सभी की जेरोक्स आपको करा लेनी है और सेल्फ अटेस्टेड कर लेने हैं। यदि आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऑटोनोमस बॉडी और किसी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है देना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अप्लाई की बात करें तो अप्लाई के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर दो पोस्ट है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड दिया गया है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए है, और जो डेपुटेशन पोस्ट के लिए है वो फॉर्म 3 दिया गया है, वो आपको फिलअप करना होगा। कैंडिडेट मस्ट बी साइन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उनको साइन कर लें। A4 साइज में एप्लीकेशन फॉर्म आपको निकालना होगा डायरेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवलोप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट या डेपुटेशन बेसिस बाय रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट। 2 यहाँ पर दिया गया है एड्रेस, द डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोटापुरी सरिता विहार मथुरा रोड न्यू दिल्ली, यहाँ पर एड्रेस आपको हमने बता दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको DD लगाना होगा जो कि यहाँ लिखा गया है। ग्रुप ए के जो कैंडिडेट है 5400 ग्रेड पे जिसमें दी गई है उनको 1000 रुपीज़ का जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए 500 रुपये का जो है DD लगाना होगा। यदि B&C कैटेगरी है जिनका 4600 ग्रेड पे है या इससे कम है उनको यहाँ पर 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, यानी कि स्टाफ नर्स को 500 जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC एंड अदर OBC कैटेगरी के लिए 250, और ST कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर 250 देना होगा, सॉरी जनरल और OBC के लिए यहाँ पर 500 होने वाला है। एप्लीकेशंस के यहाँ पर आपको जो है डेपुटेशन पोस्ट पे जो है आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें फिजिकल हैंडीकेप्ट के लिए अलाउ नहीं है। यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट पर लिखना होगा डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पेबल एट न्यू दिल्ली, तो इसके नाम से आपको जो है वो बनाना होगा। आपका डिमांड ड्राफ्ट, इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होंगे वो सब भी यहाँ पर दिए हुए हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द क्लोजिंग डेट, आपको पहले पहुँच जाना चाहिए क्लोजिंग डेट के, और जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको लगाना होगा, सिग्नेचर फोटो आपको लगाने होंगे। लास्ट डेट आपकी 10 अगस्त रहने वाली है, यानी कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिलअप करें दोस्तों, वैकेंसी अच्छी होने वाली है आपके लिए। दिल्ली से वैकेंसी आ गई है, परमानेंट वैकेंसी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर 2.7K सब्सक्राइबर हैं, और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इनकेस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो की अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।